हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर परमिला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स कन्या महाविद्यालय खरखोदा। इससे पहले जो वीडियो हमने शेयर की थी उसमें टाइप्स और सिंपल इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के मेथड्स हमने पढ़े थे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम वेटेड इंडेक्स नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर्स और वेटेड इंडेक्स नंबर्स। सिंपल इंडेक्स नंबर्स हम कहाँ पर यूज करते हैं? व्हेन ऑल कमोडिटीज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। इसके भी दो मेथड हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड इजी तो है, बट इट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। It means if units are different, the results will be misleading. So, के लिए हमने नेक्स्ट मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आज जो हम पढ़ेंगे वो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का, वेटेड इंडेक्स नंबर्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज को पढ़ेंगे। वेटेड हम कहाँ पर यूज करते हैं? व्हेन इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, देन दे आर कॉल्ड वेटेड इंडेक्स नंबर्स। There are two methods of constructing weighted index numbers, weighted aggregative method and weighted average of price relative method. तो इसमें हम first method को अभी study करेंगे, weighted aggregative method. Weighted aggregative method में commodities are assigned weights on the basis of quantity purchased. कुछ विद्वानों का कहना है कि वेट करंट ईयर के आधार पर देने चाहिए। इसके विपरीत कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वेट बेस ईयर क्वांटिटी के आधार पर दिए जाने चाहिए, और कुछ का ये भी मानना है कि करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की क्वांटिटी के आधार पर हमें वेट्स असाइन करने चाहिए। चलिए हम देखते हैं इन मेथड्स को। सबसे पहले है लेस्पियर मेथड, देन पास्टे, फिशर, डॉर्बिश बावलीज मेथड एंड मार्शल एजवर्थ एंड कैलिस मेथड। फर्स्ट मेथड को हम स्टडी कर रहे हैं पहले, लेस्पियर मेथड। प्रोफेसर लेस्पियर हैज असाइंड वेट्स टू द कमोडिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए हमने करंट ईयर प्राइसेस और बेस ईयर प्राइसेस के साथ किसको मल्टीप्लाई किया है? बेस ईयर की क्वांटिटी को। सबसे पहले हम करंट ईयर के प्राइसेस को क्रॉसपॉन्डिंग बेस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस कॉलम का सम कर देंगे, देन मल्टीप्लाई बेस ईयर प्राइसेस विद बेस ईयर क्वांटिटी और सम कर लेंगे, और फाइनली सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इज डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड विद 100। इस तरह से हम लेस्पियर मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पास्टे मेथड। पास्टे हैज असाइंड वेट्स ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? सिग्मा पी जीरो क्यू वन, क्यू वन करंट ईयर क्वांटिटी डिवाइड बाई सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो एंड मल्टीप्लाई विद 100। इस तरह से, क्योंकि इन्होंने करंट ईयर की क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस दी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट है फिशर मेथड। स्टूडेंट्स, इसको आप नोट करें कि फिशर इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्टे फार्मूला। इरविन फिशर हैज असाइंड वेट्स टू डिफरेंट कमोडिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द बेस ईयर एज वेल एज करंट ईयर क्वांटिटीज, और इसीलिए क्यू जीरो से भी किया यहाँ पर और क्यू वन से भी। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड बाई फिशर्स मेथड इज नोन एज फिशर्स आइडियल इंडेक्स। ये चीज भी ध्यान दें, क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि एक तो ये ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड है, विच इज द बेस्ट एवरेज कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर्स, और दूसरा ये फॉर्मूला बेस ईयर एंड करंट ईयर्स दोनों के प्राइजेस और क्वांटिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, तो इस वजह से इसको आइडियल फार्मूला कहा जाता है। तीसरा, ये फार्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों
को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम फिशर फॉर्मूला को आदर्श सूचकांक सूत्र कहा जाता है। ये चीज आप नोट करें। कंप्यूटेशन इसमें सेम रहेगा जैसे पहले हमने किया है लेस्पियर मेथड में और फिशर सॉरी लेस्पियर एंड पास्चे में, उसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डॉर्बिश एंड बाउलेज मेथड। दिस मेथड इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्चे फॉर्मूला इंडेक्स नंबर्स। Like Fisher, Darvish and Bowles has assigned weights to different commodities on the basis of current year as well as base year quantity. Clear? यहाँ पर हमारा sigma formula हो जाएगा sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 plus sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1 less Fisher formula plus Pasche formula and divide by 2. इस तरह से इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा मार्शल एंड एजवर्थ मेथड। इन दिस मेथड द सम ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज बेस। ठीक है, सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 and then multiply with 100. इस तरह से हम मार्शल एजवर्थ मेथड से इंडेक्स प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। इसमें लास्ट मेथड है कैलीज मेथड। कैलीज इन दिस मेथड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी डिफरेंट कमोडिटीज आर असाइंड वेट्स। इट इज not necessary that quantities be related to base year or current year. So formula is sigma P1 Q divided by sigma P0 Q multiply with 100. ये हमने formula किए। अब एक example की help से देखते हैं कि weighted aggregative method के ये formula हम कैसे use करेंगे। Commodities हमें given है ABCD 2012 जिसको बेस ईयर मान लिया हमने, 2018 करंट ईयर, प्राइसेस 2012 के P0 से डिनोट करेंगे, क्वांटिटी को Q0 से, 2018 के प्राइसेस को P1 एंड क्वांटिटी डिनोटेड बाय Q1। इसके बाद क्योंकि हमने नोट किया कि इन फार्मूलाज में सभी में क्या करना है हमें कि सेम साइन को सेम ईयर को एक बार मल्टीप्लाई करें, P0 Q0 ये वैल्यू भी बन जाती है हमारी बेस ईयर की, देन P1 Q1। क्लियर, अब इसका अपोजिट P1 है तो Q0 और P0 है तो Q1। इट मींस बेस ईयर वैल्यू करंट ईयर वैल्यू देन P करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई विद बेस ईयर क्वांटिटी एंड बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई विद करंट ईयर क्वांटिटी। इस तरह से मल्टीप्लाई किया हमने और ये सिग्मा निकल गया। अब जैसे जिस तरह से फॉर्मूले थे हमारे उसमें पुट अप करेंगे, अगर लेस्पियर मेथड को लें तो ये फॉर्मूला था हमारा, वैल्यूज वहां से हमने पुट अप कर दी और आंसर आ गया 129.41। इसी तरह पास्चे का हमारे पास फॉर्मूला था सिग्मा पी वन क्या वन डिवाइड बाई सिग्मा पी जीरो क्या वन इंटू हंड्रेड, पुट द वैल्यूज एंड आंसर इज 129.45। फिशर मेथड अंडर रूट ऑफ सिग्मा लेस्पियर इनटू पास्चे, पुट द वैल्यूज मल्टीप्लाई एंड देन अंडर रूट एंड देन मल्टीप्लाई विद 100 एंड वैल्यू इज 129.43। ये वैल्यूज हम सब कहां से पुट अप कर रहे हैं, जो इससे पहले इसमें हमने यहाँ से, ठीक है, जो हमें सम यहाँ से मिला था वहां से हम जो जो वैल्यूज हमें चाहिए उनको पुटअप किए जा रहे हैं। अब बाउलेज एंड डॉर्बिश एंड बाउलेज मेथड, लेस्पियर मेथड जिसका आंसर ये आया था, प्लस पास्चे का डिवाइड बाय 2 एंड डॉर्बिश बाउलेज के अकॉर्डिंग वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर आ गया प्राइस इंडेक्स नंबर 129.43। मार्शल एजवर्थ सभी वैल्यूज हमारे पास वहां पर थी पुट अप की और आंसर हमारा आ गया 129.43। इस तरह से हम वेटेड एग्रीगेटिव नंबर से इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसे नेक्स्ट हमारे पास है वेटेड
एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालने पड़ेंगे, फिर पी निकालना पड़ेगा, देन वेट से मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे और सम ऑफ वेट से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दें यहाँ पर कि अगर वेट्स क्वेश्चन में दिए हैं तो दिए हुए वेट्स को हम यूज कर लेंगे, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर वेट्स क्वेश्चन में ना दिए हों तब हम क्या करेंगे, तब हम बेस ईयर के प्राइस को, इट मीन्स P0 को बेस ईयर की क्वांटिटी से गुना कर लेंगे। इट मीन्स W कैसे निकलेगा हमारे पास, P0 Q0 से, और उस कॉलम को वेट मानते हुए हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान दें बच्चों कि जब हम बेस ईयर की वैल्यू को, वैल्यू मीन्स P0 Q0 को वेट मानेंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा वही बन जाएगा जो किसने दिया है, लेस पियर प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वही बन जाता है। इसको करके देखें, जैसे P कैसे निकलेगा, P1/P0 से, और W कैसे निकलेगा, P0 Q0 से, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला वही बन जाएगा जैसे हमें किसने दिया है, लेस पियर फॉर्मूला जो हमारा है उसी तरह से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा दूसरा, ये था अर्थमेटिक मीन को जब यूज करते हैं, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन को अगर यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग पी मल्टीप्लाई विद डब्लू डिवाइड बाई सिग्मा डब्लू, ठीक है। इस तरह ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। कमोडिटी आपको दी हुई है, बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ है, बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई है और करंट ईयर का प्राइस गिवन है जिसको P1 से डिनोट किया। अब W नहीं दिया, वेट नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, P0 कॉलम को Q0 कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 10 50, 6 × 10 60, इस तरह से, और ये हमारा सिग्मा W आ जाएगा 230। देन हमें P चाहिए, P प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है, P1/P0, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100, इट मीन 6/5 × 100, 6/6 × 100 एंड सो ऑन। देन प्राइस रिलेटिव मल्टीप्लाई विद क्रॉसपॉन्डिंग वेट्स, और इस कॉलम का सिग्मा, this is 27,600. Put the values in formula, 27,600 divided by 230 and price index number is 120. Geometric mean को यूज करते हुए कैसे निकालेंगे, कमोडिटीज हमें गिवन है, बेस ईयर का प्राइस गिवन है, करंट ईयर प्राइस गिवन है, W सपोज की हमें गिवन है, तो P निकाल लेंगे, वही सेम प्रोसीजर, 90/100 × 100, 20/20 × 100 एंड सो ऑन। फिर वेट्स को प्राइस रिलेटिव से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आ जाएगा, और हमें इसके साथ PW तो हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें चाहिए लॉग ऑफ P, तो इस कॉलम का हम क्या कर लेंगे, लॉगरिथम, 90 का लॉगरिथम, देन 100, 85.7 एंड सो ऑन लॉगरिथम लेंगे, देन दिस कॉलम लॉग P कॉलम मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्टिव वेट्स, ये कॉलम हमारा आ जाएगा और इसका सिग्मा कर लेंगे, दिस इज 199.494। इस तरह से ये वैल्यू हमें मिल गई। अब वैल्यूज फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग PW, दिस इज 199.494 डिवाइड बाय सिग्मा W, दिस इज 100, डिवाइड कर देंगे, ये आ गया, इसका एंटी लॉगरिथम देखेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 98.83। तो इस तरह से हम वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फिर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।